पिछली वीडियो में बच्चों हमने 8.3 एक्सरसाइज की थी और आज हम एक्सरसाइज 8.4 करने से पहले आपको कुछ सूत्र समझाएंगे और उन सूत्रों को याद करने के लिए कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको हम देंगे, तो उन्हें अच्छे से समझना है आपको, बहुत अच्छे ध्यान से समझना है आपको। हमने एक्सरसाइज 8.3 करने के बाद में ये कुछ फॉर्मूले दिए थे याद करने के लिए, आपने याद कर लिए होंगे। यदि नहीं किए तो आप एक बार और इस पर फोकस कीजिए। यहाँ पे देखिए, पहला फॉर्मूला था हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस का थीटा इक्वल टू 1। इस फॉर्मूले से दो फॉर्मूले और बनेंगे। देखो, यदि हम कोस स्क्वायर को इधर इस साइड ले जाएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा, तो यानी कि 1 माइनस के कोस स्क्वायर इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर। और इसी फॉर्मूले से दूसरा फॉर्मूला बनेगा, यदि हम कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहां से निकालते हैं तो साइन को एक तरफ ले जाना पड़ेगा, तो जाएगा 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। तो आपको समझना हो गया था कि 1 माइनस कोस स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर और 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू कोस स्क्वायर, ये ध्यान रखना इसी फॉर्मूले से। दूसरा फॉर्मूला था हमारा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टैन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले से आपको एक फॉर्मूला याद रखना है बस, यदि हम टैन को इस साइड ले जाएंगे तो टैन इधर जा करके घटेगा सेक में से, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये ध्यान, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। चाहे तो आप मोस्टली इसको याद रखिए, ये कंपल्सरी याद रखना। तीसरा फॉर्मूला था 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इस फॉर्मूले से यदि हम कोट को इधर ले जाएंगे तो यहां से आएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, यानी कोसेक में से क्या घटा है, कोट स्क्वायर घटा है, कोसेक स्क्वायर में से कोट स्क्वायर थीटा और इक्वल टू क्या बचेगा इधर 1। तो इसी फॉर्मूले से ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है बच्चों। अब आगे देखो नंबर चौथा फॉर्मूला, जब भी अपोजिट संख्याएं मल्टीप्लाई में आती है तो उसका उत्तर आता है 1। जैसे कि साइन साइन थीटा और साइन का अपोजिट क्या है कोसेक, तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। इस फॉर्मूले से यदि हमें साइन की वैल्यू निकालनी है तो साइन हो जाएगा 1 बटे कोसेक, और यदि कोसेक की वैल्यू निकालनी है तो कोसेक हो जाएगा 1 बटे साइन, ठीक है। नंबर 1, कोस थीटा इंटू सेक थीटा, कोस और सेक एक दूसरे अपोजिट होते हैं, तो यदि मल्टीप्लाई में आएंगे तो उत्तर हो जाएगा 1। इसी प्रकार है टैन थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल टू 1। इस फॉर्मूले में यदि कोस की वैल्यू निकालेंगे तो 1 बटे सेक हो जाएगी, और यदि सेक की वैल्यू निकालेंगे तो 1 बटे कोस हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ से कोट की वैल्यू लिखेंगे तो 1 बटे टैन, और टैन की वैल्यू लिखेंगे तो 1 बटे कोट। और कुछ फॉर्मूले और है साइन कोस के पदों में, वो आपको ध्यान रखना है, उनका मोस्टली यूज है। जब भी हमें सिद्ध करने क्वेश्चन होंगे तो मोस्टली हम जो हमारे त्रिकोणमितीय रेशो है उनको साइन कोस में तोड़कर ही क्वेश्चन को हल करते हैं। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये होती है टैन की वैल्यू, कोस टैन थीटा इक्वल टू साइन अपॉन कोस, और कोट थीटा इक्वल टू होता है कोट टैन का पीरियड होता है, तो ये हो जाएगा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। सेक हो जाएगा 1 बटे कोस, और कोसेक हो जाएगा 1 बटे साइन, ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा यूजिंग है इनका प्रूफ वाले क्वेश्चनों में। आगे जब हम एक्सरसाइज करेंगे 8.3 तो इनका बहुत ज़्यादा यूज है उसमें, ठीक है बच्चों। अब हम इससे संबंधित, ताकि आपके क्वेश्चन याद, ये फॉर्मूला याद हो सके, तो इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन हमने लिए हैं, 5 क्वेश्चन हैं आज हम इन्हें करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.4 करेंगे ताकि आपको कुछ अच्छे से याद हो सके। देखो ये क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन हमने लिए हैं, इसमें सिद्ध करना है, ये क्वेश्चन जो हमने लिखे हुए हैं इन सब के बराबर 1 सिद्ध करना है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर के हम क्वेश्चनों को हल करेंगे और राइट हैंड साइड में हमारी वैल्यू 1 आनी चाहिए। ये क्वेश्चन थोड़े इजी है, इजी तरीके से हमें सोल्व करने पड़ेंगे, इनका यूज इन फॉर्मूले में सीधे सीधे फॉर्मूला लगा करके इनका यूज है, ताकि आगे जो क्वेश्चन आएंगे प्रूफ करने वाले उनका यूज आप, जब आप इनका यूज करना सीख लोगे तो उनमें आप इनका यूज अच्छे से कर पाओगे और उन्हें समझ भी पाओगे कि ये कहाँ से कैसे आ रही है, ये क्रिया कैसे हो रही है,
ठीक है बच्चों, तो आज हम क्वेश्चन हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर एक है इसमें, वन अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन अपॉन वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, इन सब क्वेश्चन में वन प्रूफ करना। तो पहला क्वेश्चन को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हल करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, वन अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन अपॉन वन प्लस के कोट स्क्वायर थीटा, ये पहला क्वेश्चन है, लेफ्ट हैंड साइड लेकर के हल करेंगे। देखो वन प्लस टेन स्क्वायर फॉर्मूला है, वन प्लस टेन स्क्वायर किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर के, यहाँ लिखेंगे वन अपॉन सेक स्क्वायर थीटा बराबर वन अपॉन सेक स्क्वायर थीटा प्लस वन अपॉन वन प्लस कोट स्क्वायर, वन प्लस कोट स्क्वायर होता है कोसेक स्क्वायर के बराबर, तो ये वन प्लस कोट स्क्वायर लिख देंगे कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर। अब यह है वन अपॉन सेक और यह है वन अपॉन कोसेक, तो यहाँ से यदि हम वन अपॉन सेक यहाँ से सेक को इधर जाएंगे तो वन अपॉन सेक आएगा और सेक किसके बराबर हो जाएगा, वन अपॉन कोसेक, सॉरी वन अपॉन कोसेक, वन अपॉन कोसेक हो जाएगा साइन के बराबर। और इसी प्रकार यदि हम सेक को इधर जाएंगे तो ये हो जाएगा वन अपॉन सेक और वन अपॉन सेक को किसके बराबर लिखेंगे, कोसेक, कोस के बराबर लिखेंगे, तो कोस वन अपॉन सेक स्क्वायर ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस वन अपॉन कोसेक साइन स्क्वायर थीटा, साइन का पॉइंट होता है। अब कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा यानी कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता है। यहाँ से देखें कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, वन ये लेफ्ट हैंड साइड में प्रूफ हो जाएगा। तो बस समझ लीजिए वन अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर प्लस वन अपॉन वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ये क्वेश्चन था, इक्वल सोल्व करेंगे। वन अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर के बराबर प्लस वन अपॉन वन प्लस कोट स्क्वायर होता है कोसेक स्क्वायर के बराबर, ये है वन अपॉन सेक स्क्वायर और सेक किसके अपोजिट होता है कोस के, तो इसे लिखेंगे वन कोस स्क्वायर थीटा प्लस वन अपॉन कोसेक स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना होता है वन, ये प्रूफ हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है हल करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड है इसकी वन प्लस साइन थीटा वन माइनस के साइन थीटा प्लस वन माइनस के कोस थीटा प्लस है यहाँ और वन माइनस कोस थीटा, वन प्लस कोस थीटा इंटू वन माइनस कोस थीटा, सोल्व करेंगे। वन प्लस साइन थीटा इंटू वन माइनस साइन थीटा, तो देखो वन में एक बार साइन जुड़ा है और वन में से एक बार साइन घटा हुआ है, तो यहाँ फॉर्मूला आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि जब संख्या एक बार जुड़ी हुई हो और एक बार घटी हुई हो तो हम करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पहली संख्या का वर्ग माइनस दूसरी संख्या का वर्ग, तो पहली संख्या यहाँ पे है एक, तो एक का वर्ग एक ही रहेगा माइनस साइन का वर्ग हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, वन प्लस साइन थीटा वन माइनस साइन थीटा तो हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर आ गया प्लस, फिर वन प्लस कोस थीटा इंटू वन माइनस कोस थीटा, तो ये इसमें वर्गांतर का फॉर्मूला आएगा, तो ये हो जाएगा वन माइनस के कोस स्क्वायर थीटा, एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, तो वन का स्क्वायर वन माइनस कोस का स्क्वायर कोस स्क्वायर हो जाएगा। अब वन माइनस साइन स्क्वायर पहले फॉर्मूला हमने जो समझाया था आपको, देखिए ऊपर वन माइनस साइन स्क्वायर होता है कोस स्क्वायर के बराबर और वन माइनस कोस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर के बराबर, तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये जगह कोस स्क्वायर थीटा प्लस वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, ये हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड, ये प्रूफ। अब क्वेश्चन नंबर तीन हल करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। तीसरा क्वेश्चन है sec theta into into one minus sin theta
इंटू टैन थीटा प्लस सेक थीटा, यानी कि सेक थीटा प्लस टैन थीटा। थीटा हमारा एंगल है, ध्यान रखना। सेक सेक होता है, देखो अभी हमने बताया जब भी प्रूफ वाले क्वेश्चन हो आएंगे तो हम इन्हें साइन कोस के पदों में तोड़ करके करेंगे। तो सेक को लिखेंगे हम एक बटे कोस थीटा इंटू वन माइनस साइन थीटा, इसे आज इट इज ऐसे लिखा क्योंकि ये साइन कोस में ऑलरेडी है, इंटू सेक सेक होता है वन अपॉन कोस थीटा प्लस टेन, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। फॉर्मूला अच्छे से दोहरा लेना बेटा, वन अपॉन कोस थीटा आगे चलेंगे इंटू वन माइनस साइन थीटा इंटू, देखो यहाँ पे सोल्व करेंगे एलसीएम इनका बराबर है, हर बराबर है इनके, तो वन प्लस साइन थीटा, वन प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा बराबर। अब देखो गुणा ऊपर की ऊपर करते हैं और नीचे की नीचे, इसके अपॉन में आप चाहो तो एक मान सकते हैं। ये है वन माइनस साइन थीटा और वन प्लस साइन थीटा, जैसे पीछे आया था वन माइनस साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा, एक बार घट रहा है और एक बार जुड़ रहा है, तो ये जाएगा वन का स्क्वायर वन माइनस साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो कुल मिलाकर हो जाएगा ये जब गुणा करेंगे तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वर्गांतर फॉर्मूला है तो पीछे लगाया कोस थीटा इंटू कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और वन माइनस साइन स्क्वायर फॉर्मूला है वन माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू होता है कोस स्क्वायर, पीछे फॉर्मूला जो समझाया बेटा उसी तरह से वन माइनस साइन स्क्वायर, यानी कि वन माइनस साइन स्क्वायर घटेगा तो कोस स्क्वायर देगा, वन माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा को कोस स्क्वायर थीटा से भाग करेंगे तो कितना आएगा एक, ये हो जाएगी इसकी लेफ्ट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर फोर को हल करेंगे जो कि डी पार्ट है, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। क्वेश्चनों की फोटो आपको भेज दी जाएगी। वन प्लस के टेन स्क्वायर ए, ए यहाँ पे थीटा एंगल था यहाँ ए एंगल है, इंटू वन माइनस के साइन स्क्वायर ए, इसके बराबर हमें वन प्रूफ करना है। देखो वन प्लस टेन स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर ए, वन प्लस टेन स्क्वायर यानी कि सेक स्क्वायर ए एंगल है, तो वन प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू देगा सेक स्क्वायर ए इंटू वन माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर ए, और सेक और कोस एक दूसरे का अपोजिट होते हैं, जब भी हम मल्टीप्लाई में आएंगे क्योंकि दोनों का स्क्वायर है, और कोस वैसे सेक को हम अगर चाहो तो आप लिख सकते हो वन अपॉन कोस स्क्वायर ए, लिख सकते हैं सेक का अपोजिट क्या होता है कोस स्क्वायर, और इंटू कोस स्क्वायर ए, अब कोस स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा बचेगा ए, एक हो जाएगी इसकी राइट हैंड साइड। ये राइट हैंड साइड है, सॉरी बेटा यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो रही है बुढ़िया, ये राइट हैंड साइड है बेटा, ये भी राइट हैंड साइड। अब क्वेश्चन पाँच हल करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। कोसेक स्क्वायर ए माइनस वन इंटू सेक स्क्वायर ए माइनस वन, क्वेश्चन नंबर फाइव है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना इन क्वेश्चनों को, अपने आप भी करके देखना बेटा, ठीक है। जब आपके ये क्वेश्चन जो है अच्छे से कंपलसरी हो जाएंगे ग्रुप वर्क के, तो आप आगे के जो क्वेश्चन हैं प्रूफ करने वाले आपके एक्सरसाइज में 8.4 में, तो आप उन्हें समझने में जो है आपको उनमें आसानी होगी समझने में, और आप उन्हें कर भी पाओगे। देखो सेक स्क्वायर ए माइनस वन, अब सॉरी कोसेक स्क्वायर ए माइनस वन, अब देखिए यहाँ पे कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर किसके बराबर होता है, तो कोसेक स्क्वायर होता है यहाँ देखिए वन प्लस कोट स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे तो थीटा एंगल है वहाँ ए है, तो यहाँ ए एंगल आएगा, तो कोसेक स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा वन प्लस कोट स्क्वायर ए, तो कोसेक स्क्वायर होता है वन प्लस के कोट स्क्वायर ए माइनस वन इंटू सेक स्क्वायर ए माइनस वन, तो सेक स्क्वायर किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर बराबर होता है वन प्लस टेन स्क्वायर, यहाँ ए एंगल है तो यहाँ पे हम थीटा की जगह ए एंगल रखेंगे, तो सेक स्क्वायर हो जाएगा वन प्लस टेन स्क्वायर के बराबर, तो सेक स्क्वायर लिखेंगे वन प्लस
टैन स्क्वायर ए, आगे है माइनस वन इन ब्रैकेट वन, वन से वन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी यहाँ बचा कोट स्क्वायर ए इंटू टैन स्क्वायर ए, कोट स्क्वायर टैन स्क्वायर क्योंकि दोनों का स्क्वायर है और दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट है और अपोजिट संख्या जब मल्टीप्लाई में आएगी तो कट के कितना आएगा एक डिवाइड कर, ये हो जाएगी इसकी राइट हैंड साइड। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज करेंगे 8.4। उससे पहले आप ये जो क्वेश्चन आपको कराए हैं इन पर अच्छे से फोकस कर लेना, इनकी कैलकुलेशन पर फोकस करना किस किस तरह से क्वालिफिकेशन हो रही है। ठीक है बच्चों।